अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू डी टेक मेंटोर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको एक एडजस्टेबल डीसी वोल्टेज रेगुलेटर बनाना सिखाऊंगा। इस सर्किट में मैं 2SC5200 ट्रांजिस्टर को यूज़ करूंगा। इस सर्किट के ज़रिए आप आउटपुट वोल्टेज को अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ इस सर्किट के ज़रिए आप किसी भी डीसी एलईडी लाइट की रोशनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, किसी भी डीसी मोटर की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सर्किट डायग्राम के बारे में। यहाँ मैं आपको कंपोनेंट्स के कनेक्शंस के हवाले से समझाने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सर्किट डायग्राम की समझ आ गई होगी। अब मैं उसी सर्किट डायग्राम को फॉलो करते हुए सर्किट को प्रैक्टिकली बनाऊंगा। अगर आप उस सर्किट डायग्राम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उस सर्किट डायग्राम को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। ये इसकी आउटपुट की वायर्स हैं और ये इसकी इनपुट की वायर्स हैं। अब मैं इस सर्किट के साथ एक हीट सिंकर को अटैच करूँगा और हीट सिंकर अटैच करने के बाद हम इस सर्किट को टेस्ट करेंगे। आपने इस सर्किट के साथ एक हीट सिंकर लाजमी यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपका ट्रांजिस्टर डैमेज भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक एसी 12012 4 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है। इसकी डीसी आउटपुट 34 वोल्ट है। इसके साथ अब हम इस सर्किट को टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैंने मल्टीमीटर को सर्किट की आउटपुट के साथ अटैच कर दिया है और अब मैं पोटेंशियोमीटर के ज़रिए अपने आउटपुट वोल्टेज को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ। इस सर्किट के साथ आप डीसी मोटर की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही साथ किसी भी डीसी एलईडी लाइट की रोशनी को भी कंट्रोल कर सकते हैं और इस सर्किट के ज़रिए आप एक वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई भी बना सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।